अब खबर आई कॉमेडियन भारती सिंह को एक बार फिर से लेकर, जहां पर एनसीबी ने हर्ष लिम्बाचिया और भारती सिंह दोनों को किया अरेस्ट। और अरेस्ट करने के बाद लगातार 5 से 6 घंटे तक दोनों से की पूछताछ। पहले दोनों को साथ में बैठाकर और फिर दोनों से अकेले अकेले में की पूछताछ। इस बीच खबर आई कि जब एनसीबी ने भारती सिंह को अकेले बंद कमरे में 4 ऑफिसर्स और 1 लेडी ऑफिसर के साथ पूछताछ करने की शुरू की तो भारती सिंह ने किए यहाँ पर कई ड्रामे। जहाँ पर भारती सिंह से उनके ड्रग्स मामले पर सवाल पूछे गए तो पहले तो भारती सिंह ने सीधे से जवाब दे दिया कि हाँ वो ड्रग्स लेती है और उसे काफ़ी टाइम हो चुका है ड्रग्स लेते हुए। लेकिन इसी के साथ अब खबर आई है कि भारती सिंह एनसीबी के सवालों से बचने के लिए थोड़े बीमार होने का नाटक कर रही है और उसका कहना है कि वो अब घर जाना चाहती है, वो काफ़ी थक चुकी है और वो इतनी देर तक काम नहीं कर सकती या सवालों का जवाब नहीं दे सकती। उसने ज़्यादा सवालों का जवाब दिया या ज़्यादा देर तक वो इसी तरीके से कंटिन्यू बिना सोए रही तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तो इस तरीके से ड्रामे करती नजर आई बंद कमरे में भारती सिंह और साथ ही मजाक भी करती नजर आई एनसीबी टीम के सामने ताकि वो हंस जाए और भारती सिंह को छोड़ दे। भारती सिंह इस तरीके से ड्रामे करती नजर आई एनसीबी के साथ बंद कमरे में, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन अभी तक एनसीबी की तरफ से या फिर भारती सिंह की तरफ से ऐसी कोई भी पोस्ट या खबर सामने नहीं आई है। तो इसका मतलब ये खबर पूरी तरह से झूठी है। ऐसी बेफजूल खबरों पर आप ध्यान ना दें। इसी वजह से इस रिपोर्ट को खास तौर पर हमने तैयार किया है आप सभी के लिए। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट।